हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देखिए दोस्तों, जो हम दीवार पे प्लांट लगाए क्या थे, ये अपने सूख गया था। जो हमारे यहाँ वायरिंग करने आते हैं, चार पांच प्लांट वो लेके गए और एक प्लांट हम रखे हैं, लगाएंगे कहीं पर। कल रात को गए थे और प्लांट लगाए थे, अभी एक प्लांट ये वाला बचा है छत पे, और ये तो आज लाए हैं। और ये वाला भी है, सोच लीजिए, ये प्लांट भी मिलता है 10 रुपये का मार्केट में। पर ये तो बहुत पहले से हम जब कटिंग किए थे तो वही डंडी इसी में डाल दिए हैं। पानी में इसका जो पत्ती वो हो जाता है, जिससे कि मुरझा जाता है, उसको निकाल देते हैं। अब इसी में ये ना जड़ उड़ भी आ जाएगा इसका। अगर हम आज आज पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जैसे दोस्तों, हम लोगों के गार्डनिंग का कोई मजाक उड़ा रहा है, अच्छा नहीं है गार्डन, तो उसके लिए हमें उससे उलझना नहीं है। हमें अपना काम करते रहना है। जैसे कि अब हम जब एक बार मैं वीडियो बना रही थी, किसी के चैनल पे गई कि हाँ, हमारे चैनल पे भी आप आइए, मेरी मेरी भी बगिया आप देखिए, जुड़ना चाहती थी। तो वो क्या बोले कि आप पहले अपने गार्डन को अच्छा करिए, अच्छा मतलब कि और बढ़िया गमला रखिए, और बढ़िया से सजाइए। तो वो तो मेरे बस की बात थी नहीं, उतना मैं नहीं कर सकती थी, ना तो उतना मैं खर्च कर सकती थी। मेरे पास उतना, मैं जैसे कि 0 बजट में गार्डनिंग करना चाहती थी। तो उनका जवाब मैं ये दी कि देखिए, हमारे पास जो है, हम उसी में गार्डनिंग करेंगे। अब आप चाहते हैं कि मैं नया नया, या चाहती हैं कि हम नया नया गमला, आपका कहने का मतलब ये है कि हम नया गमला लाएं, नया प्लांट लाएं, तब आप हमसे जुड़ेंगी, कोई बात नहीं है। तो हम गार्डनिंग के लिए बहुत बहुत चीज़ मैं सुनी हूँ दोस्तों, अपने घर में तो सुनी हूँ, हस्बैंड से, बच्चों से। और एक बार मेरे हस्बैंड के दोस्त आए थे, वो पूरा गार्डन मेरा देखे, तो बोले भाभी यही सब चीज़ आप लाइन से रख दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बोली भैया रखवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं रहता, सुबह खाना वाना बनाना रहता है। सासू माँ थी तो थोड़ा हेल्प हो जाता था, फिर उसके बाद जब वो उनका देहांत हो गया तो अब और भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जब भी मेरा काम होता है, जैसे छत पे कोई घर और बन रहा है, या जैसे टीना मेरा, वो जैसे जब टीना छत पे लग रहा था, तो जो लेबर मजदूर लगे थे, मैं उनसे हेल्प ले लेती थी। वो लोग मेरा प्लांट इधर का सब सामने रखे थे, जो लेबर था। और इस बार भी पेंटिंग में भी मैं कितना काम करवा ली उन लोगों से, सोचिए। जो मेरा कुनरू का बेल है, वही लोग बनाए थे, लगाए थे दोनों। मेरे हस्बैंड तो दुकान चले जाते थे, तो फिर जो हम चाहते हैं वही ना होगा, इसीलिए चालाकी से अपना काम करवा लेना चाहिए। एक बार मेरी सहेली की अरे मेरी बेटी की सहेली की मम्मी आई थी मेरा गार्डन देखने छत पे, अपनी देवरान को लेके। तो देखी, कहीं मैं भी सोचती हूँ लगाने के लिए, तो हम कहाँ लगाइए, हम देंगे पौधे आपको, कोई भी पौधा आपको चाहिए हमसे ले जाइए। उनके यहाँ जैसे कि गाय वगैरह वो रखी हैं, बकरी रखी हैं, और नीचे जगह है ना, तो उनको छत पे नहीं लगाने का टाइम मिलता। तो ऊपर से तो देख के आई, फिर नीचे हमारी सासू माँ से कहने लगी कि अरे इतना पौधा लगा दी है कि क्या बताए, पूरा छत भर डाली है। तो मेरी सासू माँ सुनी तो फिर वो सोची कि पूरा छत भर दी है पौधा लगा के। तो हम उनसे बोले थे कि आप जाइएगा, लेकिन मेरी सासू माँ से कुछ कहिएगा मत कि इतना पौधा लगाएंगे नहीं। तो अब पुराने जो पुराने विचार के लोग हैं, जैसे पुराने लोग हैं, वो तो सोचेंगे कि इतना पौधा लगाइए छत गिर जाएगा। पहले तो यही यही हमारे हस्बैंड भी बहुत कहते थे कि पूरा छत बैठ जाएगा, अभी तक कहते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ ईंटा गिरा था, जब मकान बन रहा था, तो वो ईंटा गिरवाए थे, तो हम तो कह देते हैं इतना इतना आप ईंटा गिरवाए, तब नहीं मकान गिरा, ये सब बोरी में हम प्लांट लगाए हैं, पॉलिथीन में तो मकान गिर जाएगा, छत गिर जाएगा। तो बहुत विरोध विरोध भी किए हैं, लड़े झगड़े हैं, फिर जाके इतना आगे बढ़े हैं दोस्तों। तो
तो हम अपनी सासू माँ को लेके गए, वो तो जब कह दी तो अपनी सासू माँ को हम छत पे ले गए। उस समय बैगन का प्लांट लगाए थे, बहुत बड़ा कांटा वाला बैगन था। मैं मेरी बेटी जहाँ जैसे पढ़ रही थी बनारस में, उसी की आंटी लगाई थी, वहीं से हम बीज मंगाए थे कि गए थे, हाँ लाए थे वहीं से। तो वो बैगन फर रहा था, एक दो बैगन फरा था उसमें। तो बोले कि तो देखी पूरा, तो कहीं अरे ये तो एक हिस्सा पूरा खेत बना ली हो छत पे। हम कहे हाँ अम्मा, इससे छत उत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और हम डर से ना आगे की तरफ प्लांट नहीं रखते थे, इधर हम लोग पीछे रहते हैं, वो लोग आगे रहती थी, इसलिए नहीं रखते थे कि अभी छत जब चूने लगता ना तो कहती कि ये प्लांट रखी है इसीलिए छत चू रहा है। तो जब वो ख़त्म हो गई तो मेरा एकदम आगे तक प्लांट हम रखने लगे पूरा एकदम। आप लोग तो देखते ही हैं कहाँ तक रख रहे हैं प्लांट। तो ये तो नशा होता है दोस्तों कि कभी भी जैसे कि ना पेट नहीं भरता, ये होता कि वो वाला प्लांट हमारे पास रहता तो कितना अच्छा रहता। जैसे कि हम जितना मन को बढ़ाएंगे उतना मन बढ़ेगा, जितना हम सोचेंगे कि चलिए कोई बात नहीं है इसी को हम गुलाब का प्लांट मान लें। जैसे अब यही प्लांट है, इसमें लाल कलर का वो जो मेरे यहाँ आया था वायरिंग करने लड़का, तो वो बोल रहा था कि चाची आप कोई प्लांट दीजिए हमको फ्लावर वाला, हमका ये ले जाओ, वो दिन तक इसका फ्लावर रहेगा। हम गुलाब का प्लांट लगाते हैं, मेरा अच्छे से नहीं लगता, तो हम इसी को समझ लीजिए गुलाब का प्लांट समझते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जैसे कि जो है उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आज मुझे जल्दी हो गया था दोस्तों, और सुबह ना सर दर्द कर रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड आगे पूरा वायरिंग वायरिंग करवा रहे हैं रूम में। तो हम बोले कि पहले जो छोटा मोटा काम है उसको भी करवाइए और प्लांट अपना रखने की भी व्यवस्था हम करवा रहे हैं उसी में। आज छत पे हम बहुत काम करवाए हैं। अब जैसे कि कोई नया जैसे कोई आता है करने के लिए काम में, तो उसी में हम अपना भी काम करवा लेते हैं ना। तो पटरा दो तीन छोटा छोटा लगवाएंगे, लंबा लंबा पतला पतला छोटा छोटा प्लांट रखने के लिए। तो अब जैसे कि बेटी की शादी होती के लिए भी हो रहा है, तो हम बोले नहीं पहले पूरा काम फाइनल होगा तभी हम शादी बेटी का करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पेंटिंग हो गया, वो तो बोल रहे थे हस्बैंड के चलो होटल में शादी हो जाएगा और इतना हो गया काम, बहुत हो गया। हमका नहीं, पूरा काम होना चाहिए। कोई घर में आएगा दोस्तों तो देखिएगा ना कि इनका घर कैसे है कैसे नहीं है। तो जो काम हो जाता है वो हो जाता है, नहीं तो फिर उसके बाद शादी के बाद नहीं हो पाएगा। हम जान रहे हैं नहीं हो पाएगा, इसी बहाने मेरा भी सब लाइन से व्यवस्थित हो जाएगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।